काजल और उसका अजय। माशाल्लाह पहाड़ों की जिंदगी बिना हलीमा सुल्तान को छुड़वाने जाना है हमें। और ये डायनो वैली की एंट्रेंस है डायनो वर्ल्ड में, मेरा फेवरेट एनिमल। ये तो भी अंडे से निकला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि आपकी ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी। तो वेलकम बैक एक और व्लॉग के अंदर। तो आज का व्लॉग जैसा आपने टाइटल और डिस्क्रिप्शन में पढ़ लिया होगा कि आज का व्लॉग है डायनो वैली के ऊपर। ये जरा दामने गांव से ऊपर है, थोड़ा सा मनार रेस्टोरेंट से भी थोड़ा सा आगे है, लेकिन बहुत अच्छे व्यू। और मैं कहता हूँ कि क्या मजेदार थीम पार्क इन्होंने बनाया डायनासोर के ऊपर, जुरासिक पार्क है पूरा, साथ रेस्टोरेंट भी है। तो बिना किसी टाइम जाया किए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगेगा। ले जी, हम आ गए हैं अब दामने को में। पहला स्टॉप हमारा लगा यहाँ पे, मेरे पीछे पहाड़ भी देख सकते हैं जो कि काफ़ी खूबसूरत है। वैसे तो ईद ख़त्म हो गई है लेकिन यहाँ पे रश मामूर के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा है। हमने अहद की ड्यूटी इसमें मलीजा को दी हुई है, लीजा और अहद भाई फुल इंजॉयमेंट मार रहे हैं। अहद तो आप गोरे का नाम क्या है? काजल और उसका अजय। नादिया, नादिया और काजल। काजल की आंखों में काजल लगा हुआ है। हाँ लगा हुआ है। हेलो नादिया, इसके ऊपर काई कबीले का अर्थरूर का घोर है, काई कबीले का निशान है इसके ऊपर। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत व्यू है यहाँ से। अरे हम आए हैं शॉटिंग के लिए। कौन से? वाह, अब बता आगे मारना, ऐसे नहीं मारना। कौन से वाला? ब्लू। कौन सा ब्लू? रुक जा बता, ये वाला ब्लू ठीक है। गया? मैं सबसे पहले छोड़ूंगा ये वाला, ये येलो वैसे नजर नहीं आ रहा वीडियो में, लेकिन मैं ये येलो वाले को मार। वेरी गुड, हटा क्यों नहीं बेटा? ये वाला, ये सीधा और दूर से। वाह ना, पिंक वाला, ये क्या हुआ? ये चला ही नहीं चला। चलो भाई दोबारा। वाह, ये वैसे देखा जाए तो बहुत इजी था, ये मुश्किल नहीं था बिल्कुल भी। चलें जी, फाइनली हम व्यू पॉइंट की तरफ आ गए हैं। आपको मैं व्यू दिखाता हूँ, आपकी रूह ताजा हो जाएगी वैसे इस व्यू के बाद। यहाँ से सारे इस्लामाबाद का व्यू आता है। इस सामने इस्लामाबाद का मेन रोड है जो सीधा फैसल मॉस्क की तरफ आता है। तो दूर दूर तक आपको हर जगह, वैसे हमारा कैपिटल पूरा ग्रीन ग्रीन है, इस तरफ सारे पहाड़ हैं और इस तरफ सारी सिटी, और वो पीछे रावलपिंडी है। आपको ज़रा सेंटोरस मॉल दिखाता हूँ जो हम कल गए थे, ये है वो। और फैसल मॉस्क, ये रही यार फैसल मॉस्क। और ये मेन इस्लामाबाद का रोड है जो कि सीधा रावलपिंडी की तरफ जाता है। तो गाइस ये था दामनेको का मेन व्यू पॉइंट, आपने सारा कुछ देखा, काफ़ी खूबसूरत जगह है ये। पिकनिक पॉइंट ढूंढते हैं जहाँ पे हम बैठ के खाना खा सकें आराम से। ये आ गया है हमारा एक और व्यूअर, जो लाइक मेरी वीडियो नहीं ना करता, ये वो है। और एक वो भी जा रहा है, उसकी पिट्ठी भी लाल है, क्या फेंक है। और अब ये केला खाएगा, वो तो केला ऐसे खा रहा है जैसे पता नहीं, वो सारे आ गए हैं ये बारी बारी से पहले के वो हमारे पास हो रहे हैं, तो हम यहाँ से निकलना ही अच्छा समझ दें। माशाल्लाह पहाड़ों की जिंदगी भी ना एक खूबसूरत जिंदगी होती है, जो लोग पहाड़ में रहते हैं या पहाड़ी एरिया में। माशाल्लाह अहद बाबा, आप क्या पटाखे मार रहे हैं? हलीमा सुल्तान को छुड़वाने जाना है हमें। ये काफी इजी है वैसे।
ये काफी वैसे इजी है, मुश्किल नहीं है। ये मेरी छन्नो है, छन्नो। वैसे मैं आपको गाड़ियों का व्यू देता हूँ, लेकिन आज मैं आपको घोड़े का व्यू दे रहा हूँ। ये मेरा स्टीयरिंग व्हील है और ये और वो सामने पहाड़ों का व्यू और ये घोड़ा, क्या बात है। ये सही दौड़ लगा रहे माशाल्लाह। इसी के साथ हम स्पेन को फतह करेंगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह, हाय माशाल्लाह माशाल्लाह। हलीमा सुल्तान को तो नहीं छुड़वा पाए, लेकिन हमने अपनी जरूरी राइड ले ली है। नाम क्या गोरे का? खाजा राजा, राजा जी बहुरामी। नहीं गाइस, हमारी हॉर्स राइडिंग कंप्लीट हो गई है। बस अब हमने जाना अपने लास्ट स्टॉप मतलब डायनो वैली के पास। तो अब हमने हॉर्स राइडिंग करने के बाद अब करनी टी रेक्स की राइडिंग डायनासोर की। तो आपसे मुलाकात होती है वहां पहुंच के। वेलकम टू खैबर पख्तूनख्वा। जी फाइनली हम डायनो वैली पहुंच गए हैं। सामने देखें भाई, डायनासोर ने गाड़ी मुंह में ली हुई है। गाइस फाइनली हम डायनो वैली पहुंच गए हैं। बस अब ऊपर चलते हैं, आपको ऊपर का व्यू दिखाते हैं सारा। पहला इसको रैप्टर कहते हैं, ब्लू मिल गया। हेलो ब्लू। ब्लू बच्चों को काफी खिला रहा है अपने साथ। और व्यू भी आप मेरे पीछे देख सकते हैं, माशाल्लाह। इन्होंने डिटेल हर जगह दी है। इवन ये इन्होंने अम्ब्रेला बनाई है और उसके अंदर भी सारा डायनासोर, माशाल्लाह। तो यहाँ पे इन्होंने अपनी अलग से शॉप भी रखी हुई है, जहाँ पे डायनासोर के मुतालिक आपको हर खिलौने मिल जाएंगे अपने बच्चों के लिए। और यहाँ पे इन्होंने कैप्स वगैरह भी रखी हुई हैं। क्या प्राइस है कैप की? 500 जी। टी शर्ट्स भी हैं, वाह। हर जगह डिटेल इन्होंने रखी हुई है, माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत है। और ये डायनो वैली की एंट्रेंस है, जो कि उन्होंने तीनों ब्लू और उसके दोनों भाई जो कि असल मूवी में भी हैं उनको रखा हुआ है। और काफी अच्छा एंट्रेंस का माहौल बनाया हुआ है इन्होंने। जी अब हम ऑफिशियली एंटर हो गए हैं। इसकी अलग टिकट है और जो आपने एंट्रेंस से आना ना उसकी अलग टिकट है, उसकी 200 है। और जो यहाँ पे आएंगे उसकी 800 है। तो ये इन्होंने एंट्रेंस बनाई है कुछ ऐसे डायनासोर के बोन्स वगैरह रख के। तो अब आगे चलते हैं और जैसे जैसे कोई चीज़ आती जाएगी, जैसे सामने टी रेक्स आ गया, आपको टी रेक्स जाके दिखाता हूँ अभी। और सामने आप देखें टी रेक्स छुपा बैठा हुआ है, तो वैसे अभी लेके आए हैं जंगल से। हेलो टी सी। और ये सामने क्लाइंबिंग वॉल है, वो बच्चे कहाँ चढ़े हुए हैं। ये अंडे से बाहर निकला अभी। हेलो लेपर्ड। एक टीरक्स यहाँ पे खड़ा हुआ। और अब ये डायनो वैली का एंट्रेंस, अभी पता नहीं कितनी एंट्रेंस है, दो तो ऑलरेडी हो आए हैं पर अब ये भी है। यहाँ पे इन्होंने स्केलेटन बनाया हुआ डायनासोर का, पता नहीं कैसा। ओ फाइबर, ये पहला डायनासोर आ गया। ये सारे मांसाहारी हैं। इनमें से कोई भी घास खाने वाला नहीं है, सारे मांस खाने वाले हैं। और एक रहा ये, वाह, ये मैंने भी दरियाफ्त किया है। अच्छा, तो ये राइनोसोरस का हेड है, तुमने देखा होगा अक्सर उसका ये बोन काट देते हैं मूवी में। और वो टी रेक्स का हेड है और ये राइनोसोरस का पूरा स्कल। और हमारे ऊपर उस जमाने की कबूतर चिड़िया। और सामने आप व्यू देख सकते हैं, ये पैदल चल गए तो सांस चढ़ गया, लेकिन काफी अच्छा व्यू है। और उन्होंने यहाँ पे भी कुछ रखा हुआ है।
ओवरऑल अगर देखा जाए ना तो ये जगह वाकई में फैमिली के लिए बहुत अच्छी। देखें मुझे क्या देख रहे। हेलो, ये छिपकली नहीं है पुराने जमाने की, इतनी बड़ी होती थी। अब देखते हैं और क्या नजर आता है। यहाँ पे भी इन्होंने स्कल वगैरह कुछ लगाए हुए हैं। छोटा टीरक्स, हेलो टीटी। और ये टीरक्स का बड़ा मुंह बना हुआ। क्लोज टाइम में उन्होंने बैठने की जगह बनाई हुई है। ओ ये भी टीरक्स की शायद लग रहा है। गाइस अब आ गए हमारे पास पुराने हाथी जी। क्यों नहीं लग रहा आपको? ये इसके दोनों बच्चे हैं और ये उसकी माँ लग रही है जो साइज में बहुत भरी है। आपको भी ऐसी लग रहा है? डायनो वर्ल्ड में मेरा फेवरेट एनिमल लॉन्ग नेक, वो सामने खड़ा हो गया मुझे देख के हाजिर है। और ये जो कि अपने पर नहीं निकाल लेता और सामने टीरक्स खड़ा है, लगता है इन दोनों की लड़ाई होने वाली है आपस में। और उसके ना ऊपर ब्लू भी बैठा हुआ है, टीरक्स के ऊपर ब्लू। ये पूरा उन्होंने वो मूवी वाला सीन बनाया जब टीरक्स उस विलन डायनासोर से लड़ रहा होता है और ब्लू और टीरक्स दोनों आपस में मिलकर लड़ते हैं। लेकिन ये वो डायनासोर ऑफिशियली नहीं है। और ये गर्दन में बहुत पास हाथ भी लगा। वाओ ये पूरा स्किनी बिल दी है इसने। सामने वो और भी लगे हुए। वाओ वो थ्री नेक भी है सामने। ये रास्ता में शायद बन रहा है तो अभी ओपन होगा तो सामने थ्री नेक भी आप देख सकते हैं। और उसके नीचे वो सामने टीरेक्स, आई डोंट नो कब ये ओपन करेंगे लेकिन अभी ये बनना रहता थोड़ा सारा। तो चले हमारा टूर ये तो काफी सांस चढ़ गया ऊपर आके। आप लोगों के लिए इतना तो कर ही सकते हैं तो जरूर अब इतना चलूं मैं आप लोगों के लिए। वीडियो को लाइक कमेंट तो कर दें, लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें और अच्छा सारा कोई कमेंट दे दीजिएगा। पसीना आ गया ऊपर रख। ये नीचे का व्यू है जनाब। हमारे पास और भी फैमिली आई हुई है यहाँ पे व्लॉगिंग के लिए। वो कह रहे थे व्लॉग में ले हैं। तो आप कहाँ से हैं? लाहौर से। आप हमारे पास ही हैं। आप भी, आप क्या लगते हैं इनके मामू है आपके? सही। तो कितने दिन का स्टे है आपका यहाँ पे? एक वीक का। सही हो गया, सही हो गया सर। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे? फिर मुलाकात होगी आपसे। अल्लाह हाफिज़। तो यहीं तक है पार्क जहाँ तक मैं लॉस्ट गया हूँ गोरिल्लास के पास। तो बस अब वापस जाना है नीचे। नीचे जाके देखते हैं, कुछ खाते पीते हैं, फिर आपसे मुलाकात करते हैं। तो आपको दिखाना भूल ही गया, ये टीएक्स का मुंह उन्होंने ऐसे ही नहीं खोला, ये इन्होंने रास्ता बनाया और आप इसके अंदर आके इसको यहाँ से फोटो भी खिंचवा सकते हैं। ये इन्होंने रास्ता बनाया कि आप डायनासोर के मुंह से आगे भी आ सकते हैं। काफी अच्छा व्यू आ रहा है वैसे मुंह के अंदर का। मुंह फोर गाइस एनाकोंडा, इसको तो मैं मिले ही नहीं, थोड़ी देर बाद ही हिलता है मुंह फोर। और हमारे ऊपर ये रहा पुराने जमाने के कबूतर। सोर को पता नहीं मिर्गी के दौरे पड़ रहे हैं जो मुंह ऐसे हिला रहा है। चेक करें जरा, सर कुछ कह रहा है कि हमें यहाँ पे कुत्तों से भी बदतर रखा हुआ है, हमें यहाँ से ले जाओ। मैंने जोर की जगह कुत्तों की जिंदगी जी रहे हैं। ये तो भी अंडे से निकला है, अंडे से निकल के इंसानों को देख रहे हैं। वापिस चाह एक डायनासोर ये लटका हुआ बेचारा और बच्चे उसकी उछल को खींच रहे हैं। इसको मार पा रही है अभी, रो रहा है बेचारा। नहीं जी वापस हम एंट्रेंस पे आ गए और अब हम जा रहे हैं अपनी गाड़ी की तरफ। रश काफी आप अभी भी देख सकते हैं। नाना अब हद को लेके आते हुए, अहद भाई ने भी बहुत इंजॉय किया लगता है यहाँ पे सो सो के। नहीं जी तो यही था हमारा डायनासोर का टूर। आप रश देख सकते हैं मेरे पीछे। अभी अभी एक बच्चा क्या कह गया, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ और मुझे पता कि वो मुझे जानता भी नहीं है। तो जैसा मेरे पीछे देख सकते हैं काफी खूबसूरत व्यू है। और वो सामने टीरेक्स जो मैंने आपको आते हुए दिखाया था। तो इसी व्यू के साथ आज का व्लॉग करते हैं खत्म। उम्मीद करता हूँ आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। बस अब अपने वैले में जाके कार देते हैं और अपनी गाड़ी के आने का इंतजार करते हैं। जैसी गाड़ी आती है फिर यहाँ से निकलते हैं। निकलते हैं, बस निकलते हैं। जैसे हम नीचे आ रहे हैं और यहाँ पे बारिश स्टार्ट हो गई है और वो सामने फैसल मॉस्क। तो गाइस बस अभी हम वापस जा रहे थे लेकिन हमने रास्ते में इस व्यू ने हमें रुकने पे मजबूर कर दिया।
अब व्यू चेक करें और आसमान पे बादल गरज रहे हैं, इधर से ट्रैफिक जा रही है वापस, और सामने इस्लामाबाद का रोड और सामने घने बादल, दैट्स कॉल्ड अ व्यू। तो गाइस हमें हमारी क्रूला ने आज बिल्कुल भी धोखा नहीं दिया, मुझे नहीं थी उम्मीद कि इतनी ऊंचाइयां चढ़ जाएगी, लेकिन शाबाश।